नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 पोस्ट परमानेंट फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस साइफाई उत्तर प्रदेश में आया है। बात करेंगे हम इसमें फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में, तो 28 जून 2024 का ये नोटिफिकेशन है, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा। ग्रुप सी का ये पोस्ट रहने वाला है। अब हम बात करेंगे कि फार्मासिस्ट के कितने पोस्ट हैं और किस किस कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे सीरियल नंबर 4 पर फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का वैकेंसी आया है। यहाँ पर 18 साल मिनिमम एज लिमिट रखा गया है और 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। 29,200 रुपये से लेकर 92,300 का यहाँ का आपका लेवल होने वाला है। लेवल 5 का ये जॉब रहने वाला है। 10 पोस्ट है फार्मासिस्ट के, जिसमें 4 अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए, 3 ओबीसी के लिए, 2 एससी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रखा गया है। टोटल 10 पोस्ट है यहाँ पर फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले बी फार्मा यानी बैचलर इन फार्मेसी के कैंडिडेट होना चाहिए किसी भी इंडिया के पीसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से या कॉलेज से। दूसरा है कि डी फार्मा, अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी के केस में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी भी 50 बेडेड हॉस्पिटल में। यहां पर किसी भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बी फार्मा और डी फार्मा दोनों कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करेंगे कि एग्जामिनेशन फीस क्या रहने वाला है। तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस स्टार्ट हो चुका है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 2000 प्लस 360 रुपये जीएसटी, 2360 रुपये एग्जामिनेशन फीस। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 2360, 2360। वहीं एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 1416 रुपये एग्जामिनेशन फीस या एप्लीकेशन फीस रखा गया है। एज लिमिट की बात हमने कर ही दी थी कि 18 साल मिनिमम एज लिमिट है और 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। एससी एसटी कैंडिडेट में 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी यहां पर मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करें। तो आप जैसे ही आप उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, यहां पर आपको जाना है रिक्रूटमेंट सेक्शन में। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाते हो, सीरियल नंबर 3 पर आपको दिख जाएगा नॉन टीचिंग कोर्स ग्रुप सी के लिए एडवर्टाइजमेंट है। यहां पर आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करते हो, ये पेज ओपन होगा, जिसमें आप देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो इसका स्टार्ट हो चुका है 3 अगस्त 2024 से। इसके लास्ट डेट जो है वो 24 अगस्त 2024 रहने वाला है। आपको सबसे पहले क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्टर करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है। देन उसके आगे का प्रोसेस जो है उसमें सारा अपना पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स ये सब फिल करके आपको ये इस फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर आप अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके मिल सकता है आपको। तो इसी तरह से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। 10 पोस्ट फार्मासिस्ट का वैकेंसी है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह के फार्मेसी रिलेटेड वैकेंसी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।